हाय गाइस, क्या हाल चाल। आज की वीडियो का टॉपिक भी बहुत मस्त है। आप पार्टी लेटेस्ट फनी वीडियोस। तो आम आदमी पार्टी की वीडियो दो। ये वीडियो पहली बात तो उसे मस्ती मजाक के लिए है, तो इसके अंदर फनी स्पीच होने वाले हैं। दिल पे और गुर्दों पे मत लेना। सीएम केजरीवाल के होने वाले हैं, सिसोदिया के होने वाले हैं, भगवंत। तो ये वीडियो कॉमेडी वीडियो होगी, तो करते हैं साथ में एंजॉय। जितना हो सके कर दो शेयर। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब। और सबसे फनी क्या लगा जरूर बताना। माइक तोड़ दे तू। 1 2 3 लेट्स गो। कमर टूट गई तुझे माइक की बड़ी। और ये हंसी कमाल थी। अच्छी तरह सुनिए। ओके, धमाका है ये। ठीक है अध्यक्ष जी, वर्ष 2018-19 के दौरान संशोधित अनुमान में पूरक मांग के तहत 1,17,38,99,100 मनीष सिसोदिया हमारा शिक्षा मंत्री पागल है एक नंबर का। देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, 75 साल हो गए। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? ले भैया, इंडिया में फ्री की दिक्कत है, मुझे क्यों नहीं चाहिए भाई फ्री बिजली? अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लेना। और अगर किसी किसान के खिलाफ कोई लफ्ज मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है। मैं यहीं पे हूँ अभी काफी दिन। गलत हो गया कुछ? अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं दिल्ली के अंदर। ये आपका पैरामीटर हो सकता है ना कि हम स्कूल को उस दिन अच्छा मानेंगे जिस दिन आप अपने बच्चे को, नवीं क्लास में पढ़ते हुए बच्चे को, दसवीं क्लास में आप प्राइवेट में ले आओ। मैं तो नहीं लाता भाई। नहीं, वो पैरामीटर है क्या कि स्कूल तभी सफल माने जाएंगे जब शिक्षा मंत्री का बेटा वहां पढ़ेगा? ये तो एक तरह से पंजाब के 3 करोड़ लोगों का अपमान था। आजकल चन्नी साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, सिद्धू साहब सारा दिन दिल्ली रहते हैं, पूरी कैबिनेट इनकी दिल्ली रहती है। आप मेरे को ये बताओ, पिछले 4 महीने में भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? एक बार। बस एक बार? दो बार। दूसरी बार जब आप, हाँ, आपने कहा था कि दो बार, 4 महीने में 2 बार। चन्नी साहब 1 दिन में 2 बार जाते हैं, ये एक हफ्ते में 4 बार आ जाते हैं। मैं एक हफ्ते तो उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। हमें पंजाब के बारे में निर्णय लेना होता है तो केजरीवाल पंजाब आ जाता है। हमारी पार्टी दिल्ली से बनी है, पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में है, और दिल्ली से सलाह लेकर चलने में हर्ज क्या है? अब ये कौन है बे? तो इसमें क्या है जी, जो आता है ये तो जी दिल्ली, ये तो दिल्ली। आपके स्कूल का इंतजाम कर दिया, आपके पानी का इंतजाम कर दिया, आपके दवा दारू का इंतजाम कर दिया। अबे कौन है तू? प्रधानमंत्री? दारू का नहीं, दवा का। शिक्षा की बदहाली का आलम आप सब जानते हैं, मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के रूप में। उत्तर प्रदेश दिल्ली के हैं तो मैंने सोचा जब उत्तर प्रदेश के लोग इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सरकार इतनी बड़ी बात कर रही है, तो एक स्कूल हम भी देख लेते हैं। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अगर किसी का चाहे 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन अगर होना है, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में चले जाइए, आपका ऑपरेशन मुफ्त में होगा। सरकारी स्कूल में जिस वक्त पानी आता है उस वक्त आप अपनी मोटर चलाएंगे, आपको पानी साफ मिलेगा। जिस वक्त पानी नहीं आता है उस वक्त आप मोटर चलाएंगे, तो वहाँ जो आसपास की सप्लाई है पानी के, में जो पाइप्स में थोड़ा बहुत बीच में कचरा होता है, थोड़ा नहीं सर बहुत, तो वो खिंचका है, बिल्कुल खिंचकाएगा। मोटर को तो सारा खींचेगी वो, आपका 1 किलो भी होगा, एक एक मैं ये नहीं कह रहा, पाइपलाइन है तो कचरा उसमें होगा, उसमें धूल होगी, मनी लेकिन एक हद तक का कचरा धूल मानी जा सकती है। लेकिन जब आप यकीन मानिए, जब आप सप्लाई समय के बाद चलाएंगे तो फिजिक्स कहती है कि वो उसमें कचरा खिंच के आएगा। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों की भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों की भी पढ़ते हैं। अस्पताल में पढ़ते हैं, इलाज के लिए अस्पताल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों की भी पढ़ते हैं, कांग्रेस वालों की भी पढ़ते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। हम दिल्ली को इस दुनिया का सबसे बेहतरीन देश बनाना चाहते हैं। भगवान ना करे कोई बीमार हो, लेकिन अगर कोई बीमार होता है तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसका एक भी पैसा खर्च नहीं होता, दिल्ली के सरकारी स्कूल में उसका सारा इलाज मुफ्त होता है। स्कूल इलाज कर रहे हैं, कई बार बच्चे पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है? कई बार हुआ है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, हैं? ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए, और ये भविष्यवाणी सही होगी।
27 साल के शासन के बाद, कुशासन के बाद, अब गुजरात की जनता को इन लोगों से रिलीफ मिलेगा। 38% के नीचे भारतीय जनता पार्टी का वोट आएगा, 38% के पिछले 49% जीत गए ना वो तो 38, तो कितनी सीटें उनकी कम होगी आप सोच सकते हैं। 8 तारीख को इतिहास रचा जाएगा, इतना जबरदस्त आंधी चल रही है गुजरात के अंदर, परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, ऊपर वाले ने झाड़ू चलानी शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। गुजरात के अंदर ये सारे सर्वे फेल होंगे, आज आप लिख लीजिए, सारे सर्वे फेल होंगे और गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। गुजरात के अंदर 27 साल के बाद सत्ता परिवर्तन होने वाला है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, टक्कर सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है और बीजेपी इस बार बुरी तरह हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की 38% से कम वोट आएगी, पिछली बार 49% आई थी, 11% गिरेगी, उससे भी कम आएगी 38%। आपने क्या प्रेडिक्शन किया है? प्रेडिक्शन मैंने किया ना कि 38% से कम वोट आएगा बीजेपी का, 5 से कम सीट आएंगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आईबी की रिपोर्ट आई है, गुजरात में बीजेपी जाए छे, आम आदमी पार्टी आवे छे, ये मैं नहीं बोल रहा, ये आईबी की रिपोर्ट बोल रही है। और आईबी की रिपोर्ट में लिखा है कि सूरत की 12 की 12 सीट आम आदमी पार्टी को जा रही है। 3 लिखे हैं मैंने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, हमारे सीएम उम्मीदवार यशुदान जी भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, अल्पेश जी वराछा से भारी मार्जिन से जीत रहे हैं, तीनों जीत रहे हैं। जाहिर तौर पे 92 से ज़्यादा ही सीट आएगी, अगर सरकार बना रहे हैं तो 92 से ज़्यादा ही सीट आएगी। एग्जैक्टली कितनी सीट आएगी, अभी डेली बेसिस पे आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, मैं हवा में बात नहीं करता, वो लोग तो कहने के लिए कह देते हैं कि इतनी सीट आएगी इतनी सीट आएगी, मैं जो कहता हूँ वो होता है, पिछली बार जितना मैंने प्रेडिक्ट किया था सब हुआ था। केजरीवाल है कोई बताइए, केजरीवाल ये हम लोग का मार्गदर्शक बना हुआ है, लोग ये हम लोग को टीच कर रहा है, ये हमको पढ़ा रहा है, और ये अन्ना जी को ये बिल्कुल लोग मिसलीड कर रहा है। ठीक कहा शरद भाई ने, कोई उसमें रावण बन के आया हुआ है, देश भर का मोटा मोटा मोस्ट पेंट करके ठीक कर रहे हैं, तरह तरह का जैसे लगता हुआ मेला, और देखा जितना लोग था सबके गाल पर एस लिखा हुआ, सब रंगा हुआ है, टिकर के क्या बोलते हैं टिकर, एक गाड़ी एक टूटा टैटू, पता नहीं एक टैटू, अब एक दादा बोल रहे थे कि वॉलंटाइन हो गया है, वॉलंटाइन वैलेंटाइन क्या, यहाँ का मतलब विस्फोटक स्थिति हो गई, विस्फोटक, अरे वैलेंटाइन हो, अब वहाँ गए महोदय, देख लिया हमको तो सब आदमी पहचानता है, छोटा बच्चा भी देखा, अब देखा भी 10-15 आदमी मोटरसाइकिल लेके एस्कोर्ट करने लगा हमको, हम कहा लौट लौट लौट, हम लोग लौट चलो भाई, नहीं तो हम भगवान कृष्ण के पूजा में जाएंगे, अब वो तमाशा किया उल्टे हम पर दोष बढ़ा जाएगा कि लालू यादव जाके गड़बड़ के हम चले आए। मजा आया, मजा आया, और मैं ये जो मजा है भाई, मजा था, देखो फनी वीडियो तो थी यार। और काफी मोमेंट्स थे जो बहुत फनी थे। मैं तो वो था पता, 10 क्या स्कूलों में इलाज मुफ्त में होगा, सरकारी स्कूलों में और अस्पताल में बच्चे पढ़ेंगे। वो क्या होता है जब आप स्पीच दे रहे होते हैं ना तो आपके फंबल हो जाता है। हाँ, एक मोमेंट था, मैं यूपी का कौन हूँ, शिक्षा मंत्री, ये क्या हुआ, वो वहां से है ना, दिल्ली से है, उस तरह तो वो चीज है, मस्ती के लिए वीडियो थी एंड आई एम श्योर आपको मजा आएगा। लेकिन मेरे को गुजरात का समझ नहीं आया कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे था गुजरात का, भैया दूर दूर तक कॉन्फिडेंस था ही नहीं किसी में भी कि आम आदमी पार्टी आ सकती है वहां पर जीतेगी कुछ भी।